महासंग्राम दास्तान है एक ऐसी लड़ाई की जिसमें न भाले चले, न तीर, न तलवार, न बंदूक, न तोपें। हाँ, मगर दुदंबी जरूर बची और इस दुदंबी का कुरुक्षेत्र बना अलवर जिले का एक छोटा सा गांव। इस महासंग्राम के सरगना और सिपाही बने गणतंत्र के भोले भाले, कमजोर, गरीब मगर हिम्मती और बुलंद इरादों वाले गांववासी और उनके कुछ साथी। स्वीडन से आई पत्रकार एलेना राजस्थान में कार्यरत तरुण भारत संघ के नेता राघवेंद्र की जीवन कथा सुनती है। बचपन में राघवेंद्र का अभिन्न मित्र गोपाल उससे बिछड़ जाता है। जयपुर में वो प्रौढ़ शिक्षा विभाग में नौकरी करते हुए उसे दोबारा मिलता है, जो अपने कुछ साथियों के साथ पिछड़े हुए ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता के लिए एक बड़े अभियान की योजना बना रहा है। कैंसर से गोपाल की मृत्यु के बाद राघवेंद्र उस अभियान में शामिल होने के लिए निश्चय करता है और पत्नी को उसके मायके छोड़ आता है। उसे ससुर के खत द्वारा पता चलता है कि उसकी पत्नी मां बनने वाली है। और अब आगे बेटी, हर वक्त काम उलटकाए बैठी रहा था, इस हालत में खुश रहना चाहिए, समझी? ओका चिट्ठी लिख दिए हैं, ओका पता लगी है कि तुहार पेट में बच्चा है तो तुहार देखन खातिर भागा चला आएगा, समझी? राघवेंद्र, जिंदगी की इस टर्निंग पॉइंट पर आपके माइंड में कंफ्लिक्ट तो रहा होगा, आप परेशान रहे होंगे। हाँ, एकदम तो मैं स्थिति के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। देन फिर क्या, मेरे पास वक्त ही नहीं था कि मैं कुछ सोच पाता। मन में तो आया कि मीरा को इस वक्त मेरी जरूरत है, पर मैं वापस जाने की स्थिति में नहीं था। मेरे साथी बस स्टैंड पर पहुंचने वाले थे और हमारा जाना एकदम तय था। ये लीजिए प्रमोद भैया, आपके दोस्तों के लिए भी पराठे बना दिए हैं, 20 पराठे। ओके। अरे बहन, 20 और बना देती तो खाने का मिशन रात तक का हमारा पूरा हो जाता। ओहो भैया, आप पराठा मिशन पे जा रहे हैं या? ए, डोंट सेलेक्ट, समझे? प्रमोद, यानी ये लो, खलील जबरान की पोएट्री है, तुम्हारे बहुत काम आएगी। Well, Dad, it's very funny. Dad, इस आत्मिक रहस्य पर लेक्चर दे रहे तो मैं जा नहीं रहा हूँ। यार, इसमें बहुत सिंपल बातें हैं, जब तुम गांव वालों को पढ़ाओगे ना, तो उन्हें सचमुच बड़ा मजा आएगा। Dad, your son is very creative. Really? Yes, of course. Dad, पोएट्री मैं खुद भी लिख सकता हूँ। ओहो डैड, आखिर भाई किसका है? Okay. लोगों में अपनी पहचान बनाने और उनका विश्वास जीतने के लिए ये बहुत ही सुंदर अवसर है। अब देखो, गोपाल तो रहा नहीं, यू टू बिकम ए लीडर ऑफ द ग्रुप, लेकिन लीडरशिप की क्वालिटी भी होनी चाहिए। अब कुछ कर दिखाओगे तो मैं तुम्हें पीछे नहीं आने दूंगा। मेरी पॉलिटिकल लाइफ का सारा एक्सपीरियंस तुम्हारे काम आने वाला है। वो तुम्हारी बॉइल्ड वाटर की बॉटल और इस तरफ सारी मेडिसिन रखी और सब पर लिख दिया है कौन सी दवाई किस चीज़। देख लूंगा मामा। बेटा, तुम बीमार भी तो बहुत जल्दी हो जाते हो और मैं तो तुम्हें भेजना ही नहीं चाह रही थी, ये तो सब तुम्हारे पापा की जिद की वजह से। भाई, घर से बाहर निकलेगा तो बड़ा बनेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, इंडिपेंडेंट रहना सीखेगा। तुम इसे इतना प्रोटेक्ट करके ओके ओके, मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूं। अब क्या हुआ मामा? बेटा,
अच्छा बेटा देखो ये जो छोटी वाली पॉकेट है इसमें तुम्हारा मैं देख लूंगा पेस्ट रखा हुआ है। जा रहा हूं। ओके बेटा बाय बाय। टेक केयर बेटा, जाते इन्फॉर्म करना। बाय मामा। बाय पापा। ओके बेटा ध्यान से। अरे सुनो। हाँ जी। डैडी से कहना कल ही अखबार में न्यूज लग जानी चाहिए मेरे मिशन पे जाने की। क्या दूंगा भैया? आते वक्त कहना भूल गया था। क्या दूंगा? क्या कह दो? यही कल ही अखबार में न्यूज लगानी चाहिए। वेरी गुड, स्मार्ट हो गए। मैं सब एक फिक्र देना जल्दी। बाकी पैसे लेते जाओ। अरे भाई साहब ऐश करो भाई, हम आए खुदा की कुदरत, देर किस बात की है? चलिए ना। अरे अभी तक दिग्विजय नहीं आया और पता नहीं अगर ये बस छूट गई तो अगली बस के पास में बहुत जल्दी आएगी। मुझे लगता है कि हम लोग सामान रख लें, वो आ जाएगा। अगर नहीं भी आया तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हाँ, शाम तक काफी देर हो जाएगी। ठीक है चलो। काफी टाइम लगा दिया। मम्मी जी लास्ट मिनट एक्सटेंशन कर दिया था। आई एम सॉरी सर। कोई नहीं जी, मुझे आ जाओ। चलो से हमारा प्लान शुरू होगा। एक रिमोट इलाका, ऊबड़ खाबड़ रास्ता, सूखाग्रस्त क्षेत्र जहां दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं है और जिंदगी की बाकी सुविधाएं भी यहां के लोगों को नसीब नहीं होती। ऐसे में वहां के लोगों को अपने साथ लेकर के चलना आसान काम नहीं है। चिंता मत करो बॉस, हम सब जब आपके साथ हैं तो रास्ते आसान हैं। सर एक प्ले भी सोचा है मैंने, नाटक करके बात और भी इफेक्टिवली कही जा सकती है। यार हम सब के लिए आज का दिन खास दिन है। एक मिशन पूरा करने के लिए हम लोगों का ये कदम बहुत मायने रखता है और यहां तक पहुंचने के लिए हमें कितना वक्त लगा है, गोपाल भाई साहब की कितनी मेहनत लगी है, इसलिए ऐसे शुभ मौके पर इस तरह का मूड अच्छा नहीं है। आज हमारे बीच गोपाल भाई साहब होते तो उनको भी ये मूड अच्छा नहीं लगता, इसलिए उनके शुरू किए हुए काम को पूरा करने के लिए मूड का चीयरफुल होना जरूरी है। ठीक कह रहे हो प्रमोद, वैसे भी उदास चेहरे दूसरे लोगों के चेहरों पर खुशी कैसे ला सकते हैं? राइट सर, अंताक्षरी खेलें? हाँ हाँ क्यों नहीं, कम ऑन लेट्स स्टार्ट। समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम। सर आपसे शुरू करेंगे? नहीं नहीं, मुझे गाना वाना नहीं आता। नहीं सर, शुरू तो आप ही से करेंगे। हाँ कोशिश कर सकते हैं क्या? अच्छा कोशिश करता हूँ। हाँ, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया और फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। सर ऐसे नहीं सर, गा के तो सुनाइए ना। हाँ नहीं भाई नहीं, बस वेरी मच अनलाइक यू, ये गाना तो मुझे गाना चाहिए था। अच्छा प्रमोद भैया यस यस याला याला दिल ले गई कोई हसीना सपनों में आके प्यार जगा तू दिल में जगा के याला याला दिल ले गई। ये नहीं गाना वाला, देखिए तुम्हें शुरू करो यार। एक तारा बोले सुन सुन क्या कहे है तुमसे सुन सुन, एक तारा बोले सुन सुन मुझे पानी पिलाया। पानी ये लो, पराठे लाए हो ना? पराठा है ठीक ठाक रखा हुआ, सब रखा। अभी चाहिए क्या? पानी इसीलिए दे रहा हूँ। पहुंच गए सर। लाइए सामान दे। नहीं रहने दे दीजिए सर। अच्छा नहीं, अब जाना कहाँ है? बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल।
पहले अरेंजमेंट करके एडवांस टीम भेजनी चाहिए थी हमें। कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी होगी ना प्रमोद। लेकिन भाई साहब यहाँ तो कोई दिख भी नहीं रहा, किससे पूछे। अरे भाई साहब ये बिकमपुरा गांव ही है क्या? अरे भाई साहब बहन जी ये बिकमपुरा गांव यही है क्या? आगे चला जा, 1.5 मील पे मिल जाएगा। आप वहीं जा रही हैं? ना भाई, हमारा गांव तो 2 मील आगे थे। फिर तो ठीक है, हम भी इनके साथ ही चलते हैं। चलो 1.5 मील भी तो है, सिर्फ 1.5 मील। अरे प्रमोद भैया बैग तो लीजिए। चलो मुझे दे। नहीं नहीं सर मैं ले लेता हूँ। क्या प्रमोद भैया? चलो यार तू मुझे दे। भैया ये बिकमपुरा गांव यही है क्या? अरे भाई बिकमपुरा गांव ही है क्या? मैं पूछ रहा हूँ। सुनिए आपका नाम क्या है? आप इसी गांव की हैं? अरे मैं सिर्फ ये कह रहा था कि मैं क्या पूछ रहा तू है? मैं थारी माँ भेड़ का नाम पूछूं? क्या नाम है तेरे माँ भेड़ के? बता बता क्या नाम है तेरा? भाई साहब आपको गलत फहमी हुई है, अब मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा था कि अच्छा मैं तुम लोगों को अच्छी तरह जानू छो, अभी बताओ तुम्हें। अभी तक बर्दाश्त कर रहे हैं हम, समझा? तेरी जो है उड़की परी नहीं है ना, पीछा करेंगे हम। देखिए भाई साहब आप इन्हें माफ कर दीजिए, दरअसल ये लोग कॉलेज से निकले हैं, जरा खून गर्म है। इनका इरादा आपको नुकसान पहुंचाने का नहीं साहब, मैं इन लोगों की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। अरे सुधरे तू, हटे परे तू, पहले अपने दोस्तों ने समझाया, माफी मांग रहा तू। अरे भाई साहब मेरी बात सुनिए, भाई साहब हटे तू मेरी बात में। भाई साहब आपके सामने आपकी पत्नी है, औरतों के सामने इस तरह झगड़ा करना ठीक नहीं लगता। इन लोगों का बदतमीजी करने का कोई इरादा नहीं था, दरअसल हम लोग इस गाँव में पहली बार आए हैं, हमें इस गाँव के रीति रिवाज नहीं पता है। मैं सबकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ, देखिए हमें माफ कर दीजिए। हाँ हाँ माफ कर दीजिए देवी जी, माफ। अरे तू मरन में हटे ना, माफी कर दीजिए दादा। चले प्रणाम। प्रणाम। यहाँ गांव के सरपंच का घर कहाँ है? हम लोग उनसे मिलना चाहते हैं, हम सब शहर से आए हैं। सरपंच तो गांव में है ना, दूसरे गांव गया से। गांव में पंचायत घर कहाँ है? हम लोगों को रात को रुकना है। पंचायत घर तो गांव में है ना। सुनियो देख तो कौन है, पंचायत घर पूछ रहे हैं। हमें जानते हैं, बता। काका यार हमारी शक्लें इतनी खतरनाक तो नहीं है, पहले आते ही झगड़ा हो गया, फिर अब कोई बात करने को तैयार ही नहीं है। मैंने पहले ही कहा था अच्छी तरह सोच समझ कर प्लान करो, मेरी बात नहीं मानी ना? चलो अब क्या करेंगे सर? काका राम राम। राम राम काका, हम लोग शहर से आए हैं, रात होने को है, गांव में कोई जगह है ठहरने के लिए? चलेंगे ताऊ। काका गांव में कोई ठहरने के लिए जगह है क्या? माई माई राम राम। माई हम लोग शहर से आए हैं, रात होने को है, कोई रुकने के लिए जगह चाहिए, गांव में अगर कोई मंदिर वंदिर हो तो। पीछे की ओर चले जाओ, मिल जाओ। पंडित जी मुझे लगता है कि
हम लोगों को आज रात यहीं रहना पड़ेगा। कल दिन में कोई इंतजाम हो सकता यार। सिद्धार्थ सुना था गांव वाले शहर वालों से ज्यादा कटियस होते हैं, बहुत भोले भाले होते हैं। पता नहीं यार, ये लोग तो अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं, मेरा दिमाग तो गुस्से से उबल रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है सर, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, पता नहीं हमें नुकसान पहुंचाने के लिए क्या क्या हथकंडे अपना ले। नहीं दिखते ये लोग, ऊपर से जितने गुस्सेल दिखते हैं ना, अंदर से उतने शांत कोमल और बहुत प्यार करने वाले होते हैं। तुम डरो मत। क्यों सत्येंद्र भाई साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, है ना? अरे नहीं नहीं भाई साहब, जोक मार रहे हैं जो। वहां तो काफी भेद भरा था माहौल, अजीब तरह का बर्ताव कर रहे हैं। बात शुरू कैसे होगी? बात शुरू कहां से करनी है ये सोचने वाली बात है। ऐसा करते हैं कि करना क्या है केदार, बहुत सीधे लोग हैं, दुनिया की हवा नहीं लगी है, जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। इन लोगों के मनों को जीतना बहुत आसान होगा, खाली स्लेट पर जो लिख डालेंगे खूब लिखा जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग इसलिए भी डरे हुए हैं क्योंकि यहां कोई आया ही नहीं होगा, और अगर आया भी होगा तो यहां के भोले भाले लोगों के मनों को बहलाया होगा, फुसलाया होगा और उसके बाद लूट के खाया होगा। चिंता की कोई बात नहीं है, एक आध दिन में सब ठीक हो जाएगा। वैसे मुझे लगता है कि हमारी शुरुआत बिल्कुल ठीक हुई। शहर से 150 किलोमीटर दूर एक सूखा बेरंग सा गांव, अगर इसमें हम लोग रंग भरेंगे ना तो पेंटर की क्रिएटिविटी की ऐसी करते हैं। पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? प्लान के मुताबिक तो हमने सोचा था कि देखो सत्येंद्र, हम लोगों के प्लान के मुताबिक जो भी प्रायोरिटी रही हो, लेकिन अब जो हमारी प्रायोरिटी होगी वो यहाँ के लोगों के मनों को जीतना होगा जी। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि यहाँ के लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं, उसके बाद एक एक करके उनको हम प्रायोरिटी बेसिस पे निपटाते चले जाएंगे जी। बिल्कुल। देखो मुझे लगता है कि आसपास में ना तो कोई स्कूल है और ना ही कोई अस्पताल, हम सारे गांव का चक्कर लगाकर आ चुके हैं, खास खास में समय बर्बाद करने का क्या मतलब, लोगों के दिलों को बाद में जीत लेंगे, वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक होता चला जाता है। प्रमोद भैया फिर मेरा पानी, पराठे खाने हैं? खाने हैं तो पानी आधा आधा बांट के पिएंगे, डन? भाई सब टूट पड़े सर, हटो पहले मैं। कभी ज़रूरत होगी मैं खोल रहा हूँ भाई, एक मिनट अपना ले लो ना भाई साहब, आप भी आइए ना। हाँ भाई भूख तो मुझे भी लगी। अरे क्या बोल रहे हैं, छीना झपटी कर रहे हो तुम लोग यार, एक मिनट लो यार, किस गिराब कर भाई, कैरेट ऐसे ही करते हैं, सुबह उठ के हमें ड्यूटी भी बजानी है। अर्ली मॉर्निंग हमें जगाएगा कौन? मुझे तो रोज मम्मी उठाती थी, आराम होगा तो मैं सबको उठा सकता हूँ। आराम से क्यों नहीं खाते? चलो चलो अपनी आंखों से देख लो कौन लोग थी वो। अरे काई जाने कौन थे, डाकू थे, आतंकवादी थे, न जाने के भेष बदल के आ जावे थे। पहले मारी औरत के साथ बचाने लागो, मैंने वो सबक सिखाया कि याद करोगे? दूसरों के घर में घुसने की कोशिश कर रही हो? अरे घर में जगह ना मिली तो मंदिर में जा बैठो, बोलो तुम क्या बोलो छो भाई। उनका बारा में तो मेरे पूरे पूरे साके, और उनमें तो आपने उनका बारा में सोच रहे पड़े हो। Thank you.
भी बताते हैं। उड़ा और उठा और एलेना, ये स्थिति बड़ी ही नाटकीय थी। उस रात जिन कपड़ों में हम लोग सोए हुए थे, वो इंस्पेक्टर और उसके दो सिपाही हमें वैसे ही उठाकर थाने में ले गए। थाने में जाकर हम लोग एक दूसरे की शक्ल देखकर शर्मा रहे थे। ओह रियली? एक दिन जरा सोचो एलेना, ऐसी स्थिति में थाने में हम लोग खड़े हैं और वो इंस्पेक्टर हमसे उल्टे सीधे सवाल पूछ रहा है। कहाँ से आए तुम लोग? सच्चा साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं पूछ रहा हूँ कहाँ से आए तुम लोग? जी जयपुर से। किसका कह रहा है? ये तो हम लोग डिटेल में। अरे डिटेल तो मैं अपने आप में जान लूंगा, तुम मुझे अभी ब्रीफ में बताओ कि तुम किस खातिर आए हो यहाँ पे। जी सोशल सर्विस। सोशल सर्विस वो तो मैं करवाता हूँ तुम्हारे को बेटा। देखिए सच्चा साहब, अरे मैंने ये बता, तू रात के बाद गाँव में क्या करने गया था? सोशल सर्विस। एक दरोगा छाए के नान नहीं याद आ जाएगी। ठीक ठीक बोल, क्या करने गया था गाँव में? बोल। अरे बोल। इस तरह बात मत कीजिए सर। कौन बोले? अरे कैसे सर, हमने कुछ नहीं किया सर। देखिए देखिए, आप मेरी बात सुनिए। देखिए हम लोग अपने एक दोस्त के साथ लिटरेसी मिशन पर काम करना चाहते थे, लेकिन अचानक हमारा दोस्त चल बसा और उसके अधूरे काम को पूरा करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। हम लोग किसी गलत मकसद से नहीं आए हैं और आप हमें गलत समझने की कोशिश मत कीजिए। सांगमेर के जयसिंह राणा का नाम तो आपने सुना होगा, राजनीति में काफी सक्रिय हैं। मैं उन्हीं का बेटा हूं केदार, और ये लोग मेरे साथी हैं। आप चाहे तो वेरिफिकेशन कर सकते हैं, आपके पास फोन है ना, लगाइए फोन। तो राजनीति से बात करती खेत रहा, इसीलिए सोशल सर्विस का ड्रामा हो रहा है। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हैं आप? अरे सीधे गाड़ी में बोल रहा हूँ, आंख के निकाल लूंगा बात, समझे? इससे खड़ा जैसा जमाने का दोस्त दिख गया। तू किस नेता का बेटा है? ऐसा कुछ नहीं है, मैं सतेंद्र हूँ, बीकॉम पास किया है, पास के गांव माधोगढ़ का रहने वाला हूँ। पिता स्कूल टीचर है, शुरू से ही आदर्शवादी विचार है, इसलिए एडल्ट लिटरेसी मिशन के साथ जुड़ा हूँ। इससे पहले बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता था। टीचर का बेटा जी। तू कौन है? तो मस्करा दिखे बस। जी शक्ल पे मत करिए इंस्पेक्टर साहब, मैं बहुत सीरियस किस्म का इंसान हूँ। हायर की तैयारी कर रहा था तो इन लोगों से मेरी मुलाकात हो गई। मुझे लगा जिंदगी में कुछ करना चाहिए। अभी हमारे दोस्त के बारे में जो बातचीत हो रही थी, वो अक्सर कहते थे कि निरक्षरता सभी समस्याओं की जड़ है, तो हम जड़ से समस्याओं तक पहुंचने की कोशिश करें इंस्पेक्टर साहब। जड़ पकड़ने लगा तो गांव की ना जड़ आ गई तेरे हाथ। बस यही सर, यही सर शुरुआत। अरे जरा डर कर रहा, बात तो नहीं जाऊंगा तेरे को। तू इनके बीच में क्या कर रहा? चप्पल से तो लौंडा लगा तू। सर सर, मैं स्टूडेंट हूँ सर, कॉलेज में पढ़ता हूँ। गोपाल सर के यहाँ आता जाता था सर। सर मुझे उनकी बातें सुनना बहुत अच्छा लगता था। अब राघवेंद्र सर के साथ हूँ सर, मैं इन्हीं के साथ काम करना चाहता हूँ सर। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप हम लोगों का विश्वास कीजिए, हम लोग गलत आदमी नहीं है। अगर हम लोग गलत आदमी होते तो इस तरह से गांव में नहीं घुसते, और आते ही कोई ना कोई वारदात जरूर करते थे। इंस्पेक्टर साहब, दरअसल हम लोग इस गांव की बेहतरी के लिए आए हैं, यहाँ के लोगों की समस्याओं को समझने आए हैं, उन्हें निपटाने आए हैं, और अगर सही माने तो हम लोग आपकी मदद करने आए हैं। वैसे मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थोड़े ही दिनों में आप खुद जान जाएंगे जब हम लोग अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे। लिटरेसी मेरा मतलब है साक्षरता अभियान शुरू करेंगे। साक्षरता में तो मालूम है,
कुछ जाना है तू? इस गांव के लोगों को ये सब कुछ नहीं चाहिए। अरे जिस गांव में लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं मिलती है, पीने के लिए पानी नहीं मिलता है, उसको दो अक्षर पढ़ा के क्या उसके घर में तू पीसे भर देगा? हा? मने तो तुम सब लोग सरफले लागे हो। और ये जो मिशन मिशन का बुखार उखार है ना, कुछ दिनों में अपने आप उतर जाएगा। और एक बात ध्यान से सुन लो, इस गांव में मेरे इलाके में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और सोशल सर्विस वहां करनी है जिस गांव में जिस घर में जरूरत हो, आसपास ताक जाग नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो? और सुनो, ये लीडरी फीडरी करनी है तो एक बात ध्यान में रखो, इलाके में कोई सरकार भी होती है, कोई थाना होता है, कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है, फिर बोलते गांव में वारदात हो गई और पुलिस मौके पर पहुंची नहीं। जी सर, आई वेरी सॉरी, हम लोगों से गलती जरूर हुई है। मैं हम सबकी तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब तक हम लोग इस गांव में रहेंगे पूरी तरह से शांति बनी रहेगी, गांव में कोई गड़बड़ नहीं होगी। गड़बड़ करके देख लियो, तू समझता गड़बड़ होगी और पुलिस चुप बैठी रहेगी? यो थाना थाना का जी है जी, दो बार थाना लागे इसमें, समझे? जी सवाल ही नहीं उठता कुछ गड़बड़ होने का। हम लोग ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करेंगे सर गांव में। ना तो हरकत करके देख लिया ना, पांव में घुंघरू बंधवा दूंगा, गांव में नाचता घूमेगा, नहीं तो मोर बना दूंगा, खेतों में नाचोगे। सर हम लोग जाए सर? ना ना, इतनी जल्दी क्या है, बैंड बाजा मंगवाता हूँ तुम्हारे लिए। सर थैंक यू सर। चलो थैंक यू।